व्यू इस टाइम ये लासानी एक्सप्रेस है सियालकोट के लिए जो आ रही है सियालकोट नारोवाल के लिए। ये सिकंदराबाद स्टेशन पे रुकेगी, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। आपको मैं जंक्शन के बारे में भी कंप्लीट ब्रीफ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब ये यहाँ से होते हुए सबसे जो उस तरफ लाइन है, मैं आपको बताऊँ जो मेरे सबसे राइट हैंड पे लाइन है, ये उस लाइन पे जाएगी और सीधा नारोवाल साइड पे चली जाएगी ये ट्रेन। ये देखिए जी, इसने विसल कर दिया, अब ये वहाँ से निकल रही है। अब व्यूअर्स, आपने इस वीडियो पर नोट करना है कि ये ट्रेन किस तरह अपना ट्रैक चेंज करते 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 वो एंड वाली लाइन पे चली जाएगी। ये अब आपने इस देखना है, ये शदरा रेलवे स्टेशन है, इसके बिल्कुल साथ ही कब्रिस्तान है, देख सकते हैं कब्रिस्तान के साथ ही ये केबिन बना हुआ है। अब ये विसल दे चुका है वो एक दफ़ा, और अभी ये यहाँ से अब देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। हल्के गेट, फाटक का गेट बंद भी है, जो फाटक कहते हैं जिसको गेट बंद भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनें गुजर रही हैं यहाँ से। और सॉरी, लोग गुजर रहे हैं, ट्रेन खड़ी है, लोग गुजर रहे हैं। इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे इन साइडों पे लोगों के गुजरने वालों का, तो आप देखिए किस महारत से ये ड्राइवर यहाँ से ट्रेनें गुजारते हैं और सेफ एंड साउंड लेके जाते हैं, लोगों को बचा जो नीचे चलने वाले लोग हैं उनको बचाते हुए ट्रेनों को यहाँ से पास करवाते हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है इनकी। ये जी लासानी एक्सप्रेस है, इसे नारोवाल एक्सप्रेस भी कहा जाता है, और ये अब यहाँ से चल के नारोवाल जाएगी, नारोवाल और सियालकोट तक ये जाती है। अब देखें जी, लाइनों में मोटरसाइकिल चलाता हुआ एक शख्स भी, पीछे उसकी फैमिली भी आया, और देखें जा रहा है इस तरह के, तो यहाँ हालात हैं। तो देखें आप यहाँ पे ड्राइवर के लिए कितना मुश्किल होता होगा। अब जी ये ट्रेन मूव कर चुकी है, आस्ता आस्ता रेलवे स्टेशन से मूव कर गई है ट्रेन। आप देखें जी, मूव कर गई है, वो आस्ता आस्ता निकल रही है वहाँ से। अब ये जी प्लेटफॉर्म छोड़ रही है आस्ता आस्ता, शदराबाग रेलवे स्टेशन से अब निकल रही है, ये स्लो स्लो मूव करेगी। अब आप ये देखें ये किस लाइन पे से गुजरेगी और किस लाइन, ये जिस लाइन के पास मैं खड़ा हूँ ये यहाँ से आएगी, यहाँ से मूव करते हुए ये किस तरह डिफरेंट एंगल में उधर होती जाएगी। इस टाइम ये यहाँ से गुजरेगी जिस लाइन पे मैं खड़ा हूँ, ये देखें इस लाइन पे मैं हूँ। मैं इसलिए दूसरी तरफ जाता हूँ कि ये आपको नज़र आए पूरा कि किस तरह लाइन चेंज करती है। ये देखें जी लासानी एक्सप्रेस है, ZCU-20 इसको लीड कर रहा है जी, चाइनीज इंजन है। और देखें जी केबल मैन साहब इसमें वो इसके सिग्नल देते हैं, दे रहे हैं। और ये देखें ये ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन मेरे पास गुजर चुकी है, साथ इसके साथ बोगियाँ हैं। और अब देखिए ये ट्रैक चेंज कर रही है, अब देखिए किस तरह ट्रैक को चेंज करते हुए इस तरफ आ गई है। इसने आना इंतहाई साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे मेरे राइट साइड वाली साइड पे आएगी। देखिए किस तरह से ट्रैक को वहाँ से चेंज कर दिया है, अब ये मज़ीद इस ट्रैक को चेंज करेगी राइट साइड आने के लिए। देखें वो जी दोबारा लोकोमोटिव मूव कर रहा है राइट साइड पे और ट्रैक को चेंज कर रहा है। देखिए किस तरह ये ट्रैक को चेंज करते हुए गुजर रही है ट्रेन, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये ट्रेन, ये देखिएगा। अब देखें जी ट्रेन बिल्कुल मेरे राइट साइड पे आ चुकी है, जो अपनी जो इसकी नारोवाल लाइन में, नारोवाल लाइन पर ट्रांसफ़र हो चुकी है।
नारोवाल लाइन पे अब ट्रांसफ़र हो चुकी है ट्रेन। अब देखें अब ये उस लाइन पे आ चुकी है जो नारोवाल साइड की ट्रेन है, नारोवाल सियालकोट। ये देखिए ये जो लाइनों का जाल बिछा हुआ है, इस लाइनों के जाल में को क्रॉस करते हुए वो अपनी लाइन को उसने चेंज किया है और अपनी लाइन पर आ गई है। लखानी एक्सप्रेस, नारोवाल एक्सप्रेस कहते हैं इसको। व्यूअर्स वो देखिए स्लो स्लो जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं स्लो स्लो मूव कर रही है। व्यूअर्स के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।